छोटी बहू चलो हाँ। चलिए ना छोटी बहू प्लीज ऐसा मत कीजिए, चलिए प्लीज। मुन्नी मुन्नी एक मिनट में मुझे फिनिश कर छोटी। मैं ये कह रही हूँ कि मैं आपके कुलदेवी के मंदिर में जाकर क्या करूंगी, आप सबका समझाओ ना। दिव्या मंदिर में कोई भला क्यों जाता है, और फिर हमारी कुल देवी है तो तुझे भी तो आशीर्वाद देगी जी नहीं। और वैसे भी मेहमानों को अकेला घर में छोड़ के नहीं जाती। हाँ पता है माँ को ना डर लगा रहता है, मेहमान कहीं गहने चुरा के भाग गए तो। बबली खा खा के हरिद्वार हो रही है, बोलने की तुझे तमीज नहीं, अब क्या बोल ली ना तेरे मुंह पे ताला लगा दूं। दिव्या तू ना करेगी ना तो मैं रूठ जाऊंगा, और जो तेरी सलाह है ना बहू से मीठी मीठी बात करने की वो मैं हरगिज नहीं मानूंगी। आप बात को कहां से कहां लेकर जाती है। अच्छा ठीक है मैं आप सबके साथ चलूंगी। थैंक यू सो मच। मैं जरा चेंज करके आ जाऊं। मां खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। दोना बली हटा, ऐसे हाथ मत लगा, मां चाहो दोना। इसमें शक्कर मुंह से मिली हुई है दिव्या वाली। अच्छा अच्छा तेरे लिए अलग से एक भगोना खीर रखी हुई है। ठीक है दर्शन कर लें दे, टूट पड़ी है गोटी डाक है। ठीक है आगे समझ में। और ये डिब्बा अपनी गोद में लेके बैठूंगी मैं, मजाल के कोई हाथ लगा दे। और खा खा के नहीं पोगो तुम। अब पंखे का सरिता जी पे गिरने का कोई डर नहीं। भैया आप तैयार है ना चलने के लिए। अरे पंखा बदल दिया। हाँ बहुत आवाज कर रहा था। पंखे की आवाज तो सरिता भाभी को परसों से परेशान कर रही थी, आपको अभी पता चला। क्या काम है भैया, अचानक से ये चेंज कहाँ से आया आप में। कुछ तो बदला है मेरी भैया की जिंदगी में, और सच कहूँ ये बदलाव ना मुझे तो बहुत स्वीट लगा। लगता है सरिता भाभी की जिंदगी में इस बार तो प्यार की बारिश होगी। मैं सरिता जी के लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ वो प्यार नहीं सिर्फ फिक्र है, हमदर्दी है। उम्मीद करता हूँ कि सरिता जी और परिवार के बाकी लोग इसे गलती से प्यार न समझ बैठे। ये खीर तो आज मेरी तकदीर खोलेगी। वो सरिता नाम की काली बिल्ली मेरा रास्ता ना काट जाए। तेरा आंख में क्या, तेरे माथे की फूट रही है। मां मर गई अंधेरे में, बेटी का नाम रोशनी। अरे तेरा तो रात दिन का काम हो गया मुझे दुख देने का। अरे राम सारी खीर खिंडा दी, बता देखिए बोला। अरे तेरे तो उठाने की गलती भी मत करना। वो समाना गया कि जब मर्जी आई बहू को जड़ दिया चाटे। मत भूलिए आपकी भी तीन बेटियां हैं, जैसा बोएंगी वैसा ही काटेंगी। अगर उनको भी आप जैसी सास मिल गई ना तो उनकी भी जिंदगी नर्क बन जाएगी, जैसे मेरी बनी है आपके वजह से। ए, तेरी इतनी हिम्मत, अरे तेरा मेरा हाथ पकड़ा मेरा। क्या हुआ मां। अरे क्या हुआ, सत्यानाश कर दिया, सारी खीर खिंडवा दी। आज मेरे हाथ पकड़ लिए छचुंदरी। भाभी अब हमेशा इतना नुकसान कर देती है। हाँ और उस दिन वो भाले वाली मूर्ति भी तो टूटते टूटते बची थी। अरे मूर्ति तो छोड़, 3,500 की साड़ी का नाश कर दिया छचुंदरी ने। क्या भाभी, मुंह दिखाए वाले दिन आपने झूमर गिरा दिया, आज खीर दूध मेवे। आपको पता भी है महंगाई कितनी बढ़ गई है। एक तो नुकसान करा देती हो, ऊपर से आंखें दिखाती हो। माँ का हाथ भी पकड़ लिया आपने। तुझे तो आज मैं सबक सिखा लिखा नहीं इस घर से। चल अरे अपने घर जाकर पाठ पढ़ाई अपनी अच्छाई का। निकल छोड़ बहू का हाथ। तुम मेरे बीच में मत बोलो। मैं कह रही हूँ बहू का हाथ छोड़। ये घर आपका नहीं मेरे पति का भी है, अगर हो सकता है तो मुझे इस घर से निकाल के दिखाओ। जितना अत्याचार आप माँ बेटी को करना है उतना कर लो, लेकिन मैं जीते जी यहाँ से नहीं जाने वाली। अगर मेरे पति चाहेंगे तो ही मैं यहाँ से जाऊंगी। जिसे तू पति कह रही है ना वो मेरा बेटा है, और मैं उसकी माँ हूँ,
और तुझे आज इस घर से निकाल कर दम लो। हाँ तो निकालो, अपनी पुलिस स्टेशन जाकर आपकी कंप्लेन करती हूँ। बहू पर अत्याचार करने के जुम्मे अभी आपको अंदर डाल देंगे और जमानत भी नहीं होगी, याद रखना। याद नहीं पड़ोस वाली नीलम मौसी का क्या हाल हुआ था? बहू पर अत्याचार करने के जुम्मे उनको अंदर कर दिया था और आज भी अपना रोना जेल में रो रही है। औरत अपने आप पर होने वाले अत्याचार को क्यों सहन करती? लेकिन मैं उन औरतों में से नहीं, मैं कानून का हंटर हाथ में उठा लेती हूं और अपने अधिकारों के लिए लड़ती भी हूं। मैं तुझे कुछ कह थोड़ी रही थी, मैं तुझे समझा रही थी। कितने नुकसान हो गया देख, खीर गिरे। तुम समझाओ ना इसे कुछ, मैं तो उसे उठाने जा रही हूं। चल मुन्नी अम्मी चलते हैं। हाँ। बस मेरी अल्लाह की गाय, बहुत अच्छा किया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अपनी सास को अच्छा सबक सिखाया। क्योंकि अत्याचार करने वाले से ज्यादा अपराधी अत्याचार सहने वाला होता है। मेरा इरादा उनका अपमान करने का या उनको डराने का नहीं था। मेरा भी तो कुछ आत्मसम्मान है ना, ऐसा तो नहीं कि बहू को पांव पोंछने का कपड़ा बना दो और वो सहती रहे। मेरी माँ और बहनें कितना परेशान करती है ना आपको भाभी, फिर भी आप ससुराल छोड़कर नहीं जाती। कोई आपसे प्यार करे या ना करे, आप इस परिवार से हमेशा जुड़कर रहना चाहती हैं। भाभी एक बात बताऊं आपको, जिस दिन मैं किसी घर की बहू बनी ना, तो बिल्कुल आप जैसी बनूंगी, अपनी माँ जैसी नहीं। सच जल्दी कर। राज की जिंदगी से उस रद्दी के पिटारे सरिता को समझ लो आज मैं बार कर ही दिया। दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं कर दिया? अरे नहीं राज के बाबूजी, अब वो कभी कभी पान में डालते हो ना खसखस के दाने। अरे दिमाग खराब हो गया तेरा, अरे हफीम होती है वो। आज पहली बार एक्सप्रेस ट्रेन की तरह दिमाग चला है मेरा, झट से दुगनी खसखस डाल दी दिव्या की खीर में। भाई वाह, तेरी खोपड़ी तो अचानक से काम करने लग गई। अब जे खीर खाकर दिव्या जी का सर चकराएगा और उसे अपनी बाहों में भरकर हमारा बेटा अपने घर लाएगा। क्या क्या करना पड़ता है माँ बाप को अपने बेटे के लिए, अब देखना। सरिता को 10 बरस हो गए, एक बच्चा तक नहीं जाना उसने। अरे सरकार पूरी पूंजी जब्त कर लेती है अगर बारिश ना हो तो, इसलिए करना पड़ रहा है ये सब। आप बेफिक्र रहो, आज राज और दिव्या में कुछ ना कुछ होके रहेगा। अरे जो भी करना ध्यान से कर, वरना वक्त से पहले उछलेगी ना तो ये खीर किसी और के मुंह में जा गिरेगी। कम ना हूं मैं, कमला हूं कमला। पहले तीखी मिर्चों के पकोड़े दिव्या को खिलाऊंगी, फिर उसका मुंह जलेगा, सी सी करेगी, पानी पानी करेगी। पानी हमारी गाड़ी में होगा ही नहीं, मैं फट से उसे खीर खिला दूंगी। खीर खिलाते ही हमारे बेटे का पुनर्विवाह दिव्या के साथ। अरे वाह, तो आज जल्दी कर, देर मत कर, सब तैयार होंगे। चल चल भी। तो मैं यही सोते आई, पहले की बात और थी। अब क्या फर्क है? अब बहस मत कीजिए, ऊपर सो जाइए। दिव्या भूख लगे तो मुझे बता दियो, बहुत बढ़िया खाना लाई मैं अपने साथ में। जी नहीं अभी मुझे भूख नहीं है। अरे खा के देव, भूख अपने आप लग जाएगी। जब वो कह रही है नहीं तो रहने देना।
अरे सबर करना अकल के दुश्मन, उछल क्यों रही है बंदरिया की तरह? तेरे पेट में तो कोई बात छुपती नहीं। क्या ढूंढ रही है, खाने के लिए? जी नहीं, मैं तो बस बाहर का नजारा देख रही थी, बहुत खूबसूरत है। अरे बाहर क्या देख रही, पेड़ घास फूस फूल, असली मजा तो खीर खाने में। अपने हाथ से बना के लाई हूँ मैं, खाएगी? मुझे भी सच में भूख नहीं है, मैं अपने आप मांग लूंगी आपसे। चल झूठी, तुझे खीर के गुणों का पता नहीं। अच्छा दूध के फायदों का तो पता होगा, दूध में कितना फायदा होता है, ताकत आती है, कैल्शियम बनता है और हड्डी मजबूत होती है, और जो उसमें मेवा, हाय हाय, मेवा से स्किन पे चमक आती है, कम से कम 5 साल उम्र कम दिखाई देवे। ये अकल के तारे तोड़कर ही दम लेगी आज, जब तक सब कुछ चौपट न कर देगी तब तक चुप नहीं बैठेगी। दिव्या खा लेना थोड़ी सी खीर। तू तो पीछे पड़ गई दिव्या जी के। अरे भाई वो टीवी स्टार है, वो ना खाती है तो देसी पकवान, वो तो अंग्रेजी डेजर्ट खाएंगी। जैसा क्या हो? अरे तेरी अकल के आगे तो भैंस भी कम पड़े। जी लाइए मैं खीर खाती हूँ। ये ले, ये ले खीर। या तो घर से चली थी ठूस ठूस के चली थी, पेट भर के, जब घर से निकली ना डकार मारती आ रही थी, खा तू जितना खाना। और पकोड़े दिव्या, मैं इतने बढ़िया पकोड़े बनाती हूँ, एक बार जो मेरे हाथ के पकोड़े खा ले जिंदगी भर नहीं भूलता। ये देख पकोड़े। हाँ हाँ, आप इतने अच्छे पकोड़े बनाती हो कि कभी कभी मैं अकेले ही खा जाती, जैसे तेरे लिए नहीं है। देख सुन नहीं गई? सरिता बहू क्या हुआ? पिछली पिछली किसी में पानी पानी लेके आ। पानी पानी तो पिछली गाड़ी में। अरे पानी नहीं है हमारी गाड़ी में। पानी राज पानी लेके आ। एक मिनट राज प्लीज। सरिता ये लो, ये खीर खाओ, जब तक पानी आता तब तक खीर खाओ। अरे अरे दिव्या खीर क्यों खिला रही है ऐसे? मत खिला, इन्हें बहुत खा रखा, मत खिला। अरे मत खावा दिव्या, रहने दे, मजे से मत दे। ए भगवान, पानी। हाँ पानी दो, सरिता पानी दो। सरिता जी। अरे राम, अरे कृष्ण, क्या हुआ? नहीं तो भाभी क्या हुआ, सुबह तक तो भली चंगी थी, अभी क्या हुआ मेरी अल्लाह की गाय को? पता नहीं, बड़ी चीजी के हाथ के पकोड़े खाए थे तब से। सरिता मैंने डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, आप लोग जाइए मंदिर। आज तू क्यों लेके जा रहा है इसे? भेज दे ड्राइवर को, अपने आप ले जाएगा। ड्राइवर क्यों लेके जाएगा, मेरी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? और क्या दिव्या, तू भी चली जा इसके साथ। और वैसे भी तू हमारा मन रखने के लिए ही तो आई। हाँ दिव्या जी, आप राज के साथ चले जाइए, वो अकेला कैसे संभालेगा सरिता को, अगर आपको एतराज हो। नहीं नहीं मुझे क्यों एतराज होगा, राज प्लीज इसे उठा। थे
राम से। जी मेरे पास आए थे, कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। क्या होता अगर मैं थोड़ी देर और नींद में रहती तो आंखें खुली और सपना टूट गया। भगवान आप भी ना, हम इंसानों के साथ ऐसे ही मजाक करते हो। राज, सरिता को होश आ गया है? हाँ। तुमने पूछने की कोशिश की कि सरिता को किससे खुशी मिलेगी? पूछ नहीं पाया। मैंने कोशिश की लेकिन अकलाने लगा, उसी तरह जब रिहर्सल में तुम अकलाया करती थी। तब मैं अचानक से तुम्हारे लिए कुछ महसूस करने लगी थी, नर्वस हो जाती थी। हो सकता है अब तुम भी कुछ सरिता के लिए महसूस कर रहे हो, इसीलिए तो जुबान लड़खड़ा रही है। अच्छा बताओ क्या करें, क्या चाहिए सरिता जी को? तुम